माय चैनल गाइस यहाँ पे आपका जिसको वेट था जे के का पंचायत का सिलेबस चलो वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको देख ही रहा होगा यहाँ पे जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो भी सिर्फ इन रेस्पेक्ट टू यूटी ये जनरल अवेयरनेस सिर्फ यूटी की है वो भी ट्वेंटी मार्क्स जनरल इंग्लिश है ये आपकी ट्वेंटी मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ट्वेंटी मार्क्स यहाँ पे एक अजीब बात आपको देखने को मिल रही होगी कि नॉर्मल पेपर्स में क्या होता है कि रीजनिंग एंड क्वांट वो एक सेक्शन में दे देते हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में है वो भी फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तो आप हिसाब लगा लो कि कितना आपका इसमें बन रहा है थर्टी फाइव लम लगा के चलो तो ये थर्टी फाइव मार्क्स की वेटेज आपके अकेले इन दोनों सेक्शंस की है और यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ट्वेंटी फाइव तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी वेटेज है आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका इन डेप्थ क्या है अब इंग्लिश में कॉम्प्रीहशंस वगैरह आप देख सकते हैं जो भी आपका नॉर्मली इंग्लिश तो सभी कर ही लेते हैं नॉर्मल जे एंड के में कोई हाँ अगर आ, यूपी या उस साइड पे है उत्तर प्रदेश के अगर आप है, हैं या मध्य प्रदेश के हैं तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है इंग्लिश में बट मुझे एज सच नॉर्दर्न बेल्ट में या दिल्ली से अभव या जे एंड के में तो कोई इशू नहीं है एज़ फार एज एज पर माई नॉलेज तो सारे नॉर्मली इंग्लिश तो सेक्शन कवर हो ही जाता है साथ में ये जनरल इंग्लिश uh, का सेक्शन कवर हो जाता है साथ में आप इसको देखें अगर हम बात करेंगे कि जनरल uh, अवेयरनेस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी uh, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन रेफरेंस टू यू टी ये भी जनरल टॉपिक नहीं बोला इन रेफरेंस टू यू टी और इसके अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं आप वो देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सी इतना सारा टॉपिक्स हैं यहाँ पे जैसे आपके एफ डबल ए में थे लेकिन इसकी वेटेज आप देख अगर आप देखेंगे सिर्फ ट्वेंटी मार्क्स की है तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे जनरल इंग्लिश की मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कॉम्प्रीहशन वगैरह सारे नॉर्मली तो सारे सेक्शन इसके नॉर्मल नॉर्मल अगर मिनिमम टू मिनिमम कोई भी अपेयर कर रहा होगा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इंग्लिश में इतनी गड़बड़ करने वाला है तो ये तो आप ही के मतलब इंग्लिश आप ऐसा कुछ है जो आप कर अटैम्प्ट कर सकते हैं तो रही बात यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की तो यहाँ का जो आप सिलेबस आपको देखने को मिलता है नंबर सीरीज़ और ये लेटर सीरीज़ ये तो चलो आपकी रीजनिंग हो गई अब वो भी इसमें भी आप रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कोई वैसा नहीं है कि वेन डायग्राम और ये सब इसकी भी आपको मतलब ठीक चाहिए आपके क्वान्टिटेटिव इसमें मुझे बड़ा अजीब लग रहा था देखने में कि बेसिक नॉर्मली क्या हम बोलते हैं कि क्वान्टिटेविट टेंथ का मैथ्स चलो ठीक है ये बेसिक लेवल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो ये सिलेबस इन्होंने रिलीज़ किया है यहाँ पे आप अगर बात करें तो ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है मैंसोरेशन और ये सारी चीज़ें ये हायर लेवल का लग रहा है मुझे हायर लेवल और नॉर्मली ये एस में भी अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा कि एस एस लेवल का भी ये देखने को मिल रहा है और इतना सारा वेटेज आप देखें इसमें थर्टी फाइव अराउंड मार्क्स मैथ्स एंड क्वांट मतलब रीजनिंग वगैरह और मैथ्स का मिला करके थर्टी फाइव वेटेज बन रहा है ये मुझे कुछ चीज़ अजीब सी लगी बिकॉज जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कर पाएंगे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आर्ट्स वाले कुछ कम हैं या कुछ आंकड़े बट जो वेटेज है जिस हिसाब की इन्होंने वेटेज रखी हुई है अगर आप पता नहीं मुझे सहमत हैं कि नहीं मैं इसमें साइंस वालों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही कॉमर्स वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही बट मैं ये कह रही कि जो इन्होंने वेटेज रखी है किस हिसाब से रखी हुई है कि मतलब एक तरफ आप बात कर रहे हैं क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड दूसरी तरफ जनरल रीजनिंग नॉर्मली किसी भी आप पेपर में देखेंगे ज़्यादातर इन दोनों को मिला करके वेटेज की जाती है बट यहाँ पे कॉन्ट का जो सेक्शन है क्वानिटिव एप्टीट्यूड मतलब कि जो आपका मैथमेटिक्स है ये एक तो लेवल टेंथ लेवल का नहीं रखा है इस वाले एग्ज़ाम में जैसा आपको दिख रहा होगा मैंसूरेशन ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये मेरे को समझ नहीं आया कि, कि किस हिसाब से जेके एस एस ने अपना सिलेबस निकाला है और रही बात आर्ट्स की तो जिन्होंने टेंथ के बाद कभी मैथ्स नहीं देखा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी क्षमताओं पर डाउट कर रही हूँ ऐसा नहीं सब में क्षमता होती है नो no डाउट कि वो भी एफर्ट करेंगे तो हो सकता है बट एफर्ट कहाँ तक करेंगे वो वाले आर्ट्स वालों बच्चों को तो मैं बोलती हूँ कि अपर हैंड तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर नॉन मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के हैं मतलब Uh, उनका तो मेरे को नहीं लगता कि ये वेटेज है अब मैं बायस नहीं हो रही हूँ कि आर्ट्स और साइंस बट जो साइंस के भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी ये सिलेबस देखने में उनकी भी मतलब मैं बोलूँगी इनको भी प्रैक्टिस अगर थोड़ा बहुत मैथ्स अगर उनका ठीक हुआ तभी उनका अपर हैंड है अदरवाइज आर्ट्स वालों के लिए तो सीधा सीधा ये आप कह सकते हैं कि ये उनके लेवल मतलब लेवल, नहीं लेवल, लेवल तो नहीं बट ये लेवल एसएससी लेवल का रखा हुआ है इन जनरल अगर मैं बात करूँ साइंस या कॉमर्स एज अ होल तो भी ये एसएससी के लेवल का रखा हुआ सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी अब मैं किसी को इसमें फेवर नहीं कर रही हूँ बट जहाँ तक मुझे जो लगा जो वेटेज लगी मुझे इसकी वो ये एक्चुअल में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे कुछ समझ नहीं आया जेके एस ने क्या किया है यहाँ पर कि जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन अलग रखा क्वांट का अलग रखा और आप सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे फिर कंप्यूटर आपका आ गया ट्वेंटी है फिफ्टीन मार्क्स का वेटेज का मुझे डाउट लगा कि चलो ठीक है आपको चांसेस देने थे तो आप इक्वल देते सभी को तो यहाँ पे भी आपने वेटेज जो हिसाब से रखी है वो क्या किस हिसाब से वेटेज रखी हुई है मतलब ट्वेंटी इस टॉपिक के अंदर जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करें वो भी सिर्फ यूटी की उसमें हिस्ट्री इतने सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो इस सेक्शन को आप ज़्यादा रख लेते ना थर्टी अगर आप रख ही रहे हैं तो और इसको आप इन जनरल कर देते क्वांटिटेटिव अप्रोव ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूट और इंटेलिजेंस इसको आप कंबाइन करके एक सेक्शन में कर देते तो किस हिसाब से रखा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मेरे तो समझ से परे हैं ये सिलेबस इन जनरल बोल रही हूँ आर्ट्स साइंस कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे अगर साइंस वाले बच्चे भी इस बात को सहमत होंगे क्योंकि साइंस वाले या मैथ्स वाले भी जिन्होंने रब पी सी एम है कोई फिजिक केमेस्ट्री पाया जिन्होंने भी रखा होगा टेंथ ट्वेल्थ के बाद वो भी इस बात से जनरल सहमत करेंगे सहमत होंगे कि ये दोनों सेक्शन एक में होते नॉर्मली इसका आप वेटेज कर लेते पर यहाँ पे आप ये सेक्शन में इतने सारे टॉपिक रख रहे हैं जो आपके एफडबल एन इन जनरल आ रहा है जे एंड के रिस्पेक्ट में जनरल नॉलेज के बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप ट्वेंटी मार्क्स रख रहे हैं वेर एस्ट कंप्यूटर में आप ट्वेंटी फाइव दे रहे हैं बाकी सब में आप दे रहे हैं लेकिन जो टॉपिक आपको वेटेज देखने वेटेज से मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ और आई गेस कि सारे आप लोग इस बात से सहमत होंगे इन रिस्पेक्ट टू आर्ट्स और अदर स्ट्रीम्स और कॉमर्स और वट्स ओवर सो बस यही मुझे कहना था कि अब क्या कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि जे एंड के जे एस एस को थोड़ा जगाया जाए प्रोटेस्ट किया जाए बट अगर आप सहमत है इस बात से तो इसको आप ज़रूर आप भी मे, मेरे ख्याल में इस बात से सहमत होंगे तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और ये सिलेबस आप जितना हो सकता है उतना स्प्रेड करिए क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है अगर आप बोलेंगे नहीं तो उनको जेके एस को समझ में नहीं आता वैसे भी वो थोड़ा लेट समझ आता है मैं मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा जनरल अवेयरनेस अगर हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई आपको अपने प्लेटर में ला के नहीं बोलेगा नहीं ला करके देगा तो इसके लिए बोलना पड़ता है और बोल बोल के थक जाते हैं तो जा के इतने पोस्ट निकलती हैं ऐसा कुछ होता है तो उनको जगाना पड़ता है और रही बात इसकी पी की तो पी में आप मेरा फर्स्ट कमेंट दे सकते हैं पिन किया हुआ या फिर पी जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये एडवर्टीजमेंट ये सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टेट अवे तो दैट्स ऑल इतना मुझे बताना था दैट्स ऑल साइनिंग ऑफ एम जे जय जहन